नमस्कार सभी को। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फुटबॉल टीम के ऐसे कोच के बारे में जो शायद काफ़ी इंडियन फुटबॉल फैंस के बहुत ही फेवरेट कोच हैं, और कई तो उनको फिर से इंडियन फुटबॉल टीम में चाहते कि आप वापस आ जाइए। अब वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो एक अलग मैटर है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन साहब के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छे कोच मैं कह सकता हूँ इंडियन फुटबॉल टीम की पूरी हिस्ट्री में, वन ऑफ द बेस्ट कोच अगर देखेंगे तो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन साहब का भी नाम उसमें आएगा। और आज हम ये देखेंगे कि एक इवोल्यूशन जो था 2015 से 2019 का भारतीय फुटबॉल में, वो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन साहब ने कैसे लाया था और क्या बदलाव हमको देखने को मिले थे, तो उसके बारे में आज ये वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, शायद आपको कुछ अच्छा जानने को मिले और मज़ा आए। तो आप में से कई प्लेयर्स या कई फैंस ऐसे हो सकते हैं जिनको ये नहीं पता होगा कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन साहब जो है वो 2015 से पहले भी भारतीय टीम के कोच रह चुके थे। जी हाँ, तो वो जो है 2002 में पहली बार इंडिया टीम के कोच बने थे और 3 सालों तक उन्होंने इंडिया टीम को अपनी सर्विस दी थी, 2002 से 2005 तक। लेकिन उस टाइम पे वो ज़्यादा अपना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए थे हमारी टीम के लिए, क्योंकि उस टाइम वो उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कोच भी नहीं थे। तो मैं इस चीज़ को मान सकता हूँ कि इस वजह से शायद वो उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं दिखा पाया। तो 2005 में उन्होंने इंडिया टीम छोड़ दी थी, फिर उसके बाद वो दोबारा आए थे 2015 में हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के कोच के रूप में, और इस बार वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नॉलेज के साथ आए थे, और इस बार हम उनको हमारी टीम के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली कोच के रूप में देख सकते थे। और इस बार उनको एक फ़ायदा इंडियन सुपर लीग का भी मिल गया था प्लेयर्स की स्काउटिंग के हिसाब से। और 2015 में वो कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ आए थे कि नहीं, इस बार इंडिया टीम के लिए ज़रूर कुछ करना है। और इस बार उन्होंने कुछ बदलाव भी किए हमारी टीम में कि भैया उन्होंने स्पोर्ट्स साइंस एंड सपोर्ट स्टाफ जो था वो लेकर आए, है ना, जो कि प्लेयर के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था। और पहले साल जो 2015 का उनका फर्स्ट ईयर था, उन्होंने उस ईयर में सिर्फ जो है बेसिक चीज़ों पर काम किया, जैसे नेशनल टीम का जो एनवायरनमेंट था उसको बदला, है ना, वहाँ पर हार्डवर्क, प्रोफेशनलिज्म और प्लेयर्स की इम्प्रूवमेंट को ज़्यादा महत्व दिया, ना कि प्लेयर्स की पॉपुलरिटी, फेम, इस चीज़ को नीचे रखा। क्योंकि उनका सीधा सीधा यही मानना था कि भैया कोई भी खिलाड़ी टीम से बड़ा नहीं है, है ना, पहले टीम, उसके बाद कोई इंडिविजुअल पर्सन आएगा। उन्होंने अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए जो कि प्लेयर्स की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल रहे, है ना, ऑन एंड ऑफ द पिच टेक्निकल और मेडिकल सपोर्ट पूरा दिया गया प्लेयर्स को, जो भी ज़रूरत होती थी वो सब चीज़ें प्रोवाइड होती थी। और इस पहले साल में जो बेसिक्स पर काम किया उसका फ़ायदा हमको नेक्स्ट ईयर से देखने को मिला। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण आप ये देख सकते हैं कि हमने 13 गेम के एक अनबीटन रन चलाई थी, आपको अगर याद होगा तो, जिसमें से 11 मैच हमने जीते थे। तो वैसे देखने में तो 13 गेम का एक अनबीटन रन था, लेकिन असल में वो प्लेयर्स के सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी था। उससे प्लेयर्स में बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, है ना, और एक भूख पैदा हुई कि नहीं, अब तो साला जीतना है, जीतना है, है ना, हारना नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ी सी मेंटली जो थे ना प्लेयर्स, वो और ज़्यादा उनमें स्ट्रेंथ था कि मेंटली। और कॉन्स्टेंटाइन साहब को एक फ़ायदा इस चीज़ का भी मिल गया कि उनको जो प्लेयर्स थे वो 3 साल के लिए रेगुलर मिल गए। कैसे? क्योंकि 2015 से 2017 तक एशिया कप क्वालिफायर्स एंड फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस जो थे वो कंटिन्यू थे, तो टीम में जो प्लेयर्स थे वो रेगुलर बेसिस पे हो गए। तो एक फ़ायदा उनको ये मिल गया, उनको टीम को प्रॉपर बनाने में, प्रॉपर टीम को इम्प्रूव करने में, डेवलप करने में सही समय मिल गया। तो मतलब एक कहते हैं ना कि भाग्य ने भी उनका साथ दिया कि ऐसे टाइम पर उनको कोच बनाया जिस टाइम पर इंडिया टीम को बहुत सारे मैचेस खेलने थे। और कॉन्स्टेंटाइन साहब के दौर में ही हमको इंडियन फुटबॉल में या इंडियन फुटबॉल टीम में सबसे बड़ा एक बदलाव देखने को मिला काफ़ी सालों बाद। और वो सबसे अद्भुत बदलाव जो मैं कहूँगा वो था 173 रैंक से 96 रैंक तक का सफ़र। तो ये कितना लंबा गैप उन्होंने इंडियन टीम का कम किया, है ना, और ये बहुत बड़ा श्रेय जाता है कॉन्स्टेंटाइन साहब को भी, ये इतना लंबा जो सफ़र है उन्होंने इतने कम वर्षों में जो तय करके दिखाया। उन्होंने टीम को एशिया कप के लिए क्वालिफाई कराया, और सिर्फ क्वालिफाई नहीं कराया, इंडिया टीम ने जो एशिया कप में स्टार्ट लिया था 2019 के थाईलैंड के अगेंस्ट, मतलब लाजवाब, पूरे वर्ल्ड से कितनी तारीफ हमको सुनने को मिली थी, है ना। और वो जो मैच था वो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी था, क्योंकि 1964 के एशिया कप के बाद इंडिया कभी एशिया कप में मैच नहीं जीत पाया था। तो वो जो एक हमारी प्यास थी, तड़प थी, तो उसको कॉन्स्टेंटाइन साहब ने पूरा किया 2019 में, इतने सालों बाद मैच जिता के। और उनके इस 5 साल के कोचिंग करियर के दौरान इंडिया ने जो टूर्नामेंट वो रेगुलरली जीतती है, सैफ कप,
ट्रायर सीरीज या इंटरकॉन्टिनेंटल कप वो तो जीते ही, लेकिन हमारी टीम को एक नई पहचान उन्होंने दिलाई, एक नई दिशा हमारी टीम को मिली, हमारे प्लेयर्स को एक नया मोटिवेशन मिला कि नहीं, अब इंडिया जो है बदल रहा है, अब इंडिया वो पहले वाला इंडिया नहीं रहा कि वैसे ही चलेगा, और वो इंडिया को एक न्यू फेज में लेके आए। क्योंकि अब 2014 तक का इंडियन फुटबॉल देखे तो वो अलग ही था, 2015 से जो चेंजेस हुए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो आज की टीम जो है हमारे पास उसके लिए, क्योंकि उन्होंने कई प्लेयर्स को लेके आए, नए यंगस्टर्स को लेके आए। तो कॉन्स्टेंटाइन साहब के जो 5 साल है मुझे लगता है कि बहुत ही यादगार रहेंगे हमेशा इंडियन फुटबॉल में, हर एक फ़ैन इनको याद रखेगा, और आज भी एक एक फुटबॉल फ़ैन कॉन्स्टेंटाइन साहब को मैसेजेस या ट्विटर पर कुछ भी करती रहता है ना, उनको बुलाने की कोशिश करता है कि सर आप वापस आ जाइए। तो अब ये तो नहीं पता वो आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन इंडियन फुटबॉल में कॉन्स्टेंटाइन साहब हमेशा बहुत ही ऊपर की श्रेणी में रहेंगे, ये बात तो बिल्कुल तय है। तो यही था पूरा सफर स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन साहब का हमारी भारतीय फुटबॉल टीम के साथ, और हमने बहुत सारी उपलब्धियां देखी उनके कार्यकाल में। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन साहब का जो सफर रहा हमारी भारतीय फुटबॉल टीम के साथ उसको किस तरह से देखते हैं। अगर आपको कॉन्स्टेंटाइन साहब के बारे में कुछ कहना हो, जो उन्होंने टीम में बदलाव लाया या जो भी उन्होंने इंडियन फुटबॉल टीम के लिए किया है, इसके ऊपर आपकी जो भी राय है आप जरूर कमेंट में लिखिए, ताकि हम सभी को पता चल पाए कि आप क्या सोचते हैं और आपने क्या महसूस किया, आपने क्या देखा, क्या जाना, क्या एनालाइज किया। तो आप जो भी सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा, और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को करते रहिए सपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।